गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नए प्लान के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग प्लॉट साइज 37 फीट बाय 62 फीट के लिए तैयार किए गए प्लान को। रेंटल फ्लैट का प्लान है ये। इसमें 4 इकाई 2 BHK का बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर कोलैप्सिबल गेट प्रोवाइड करना है 6 फीट की चौड़ाई में, और उसके बाद में ये देखिए प्लिंथ हाइट रखना है 2 फीट 6 इंच ग्राउंड लेवल से ऊपर। ये सामने स्टेयर है जो कि इस साइड से सिंगल फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पर आता है, ताकि इस साइड से सफिशियंट मात्रा में लाइट अंदर जा सके। और उसके बाद में देखिए 2 यूनिट पीछे है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और दूसरा यूनिट ये साइड से यहाँ तक, तीसरा यूनिट ये, और चौथा यूनिट ये। तो इसमें चलिए पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। पीछे से देखिए इसमें एक बेडरूम ऐसे 11 फीट बाय 10 फीट का है, जबकि दूसरा बेडरूम ऐसे 10 फीट बाय 9 फीट का है। बीच में 12 फीट 11 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का डाइनिंग स्पेस है या लिविंग रूम का है। और इधर किचन 6 फीट बाय 6 फीट का है, जबकि टॉयलेट 6 फीट 9 इंच बाय 4 फीट 3 इंच का। इस हॉल में इस साइड में 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है, जबकि यहाँ 3 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। किचन में 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। और इस टॉयलेट में इधर वेंटिलेटर देना है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का। किचन और टॉयलेट में D2 का प्रावधान किया गया है, जिसका साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का, जबकि D का साइज है 3 फीट बाय 7 फीट का। यहाँ इस साइड में इस बेडरूम में एक खिड़की का प्रावधान किया है, जिसका साइज रखा गया है 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का। आप अपने सुविधा अनुसार इसे घटा सकते हैं, 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, 3 फीट बाय 3 फीट 4 फीट 6 इंच, ऐसा आप रख सकते हैं। फ्रेंड, इस प्लान का एक खासियत है, यदि आप चाहें तो इस जगह पर एलिवेटर का प्रावधान कर सकते हैं। सफिशियंट स्पेस है ये। वैसे केस में जब इस प्लान पर G+3 से ऊपर कंस्ट्रक्शन का इरादा रखते हो तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी का मिरर इमेज ये फ्लैट है। इसमें भी 2 बेडरूम, हॉल, किचन और टॉयलेट दिया हुआ है। डोर, विंडो, वेंटिलेटर, ये सब का साइज एज इट इज रखा हुआ है। और तीसरा यूनिट ये है। इसमें पीछे वाले यूनिट से थोड़ा सा बदलाव है। इसमें इस साइड में किचन का प्रावधान किया गया है, जिसका साइज 10 फीट बाय 4 फीट 3 इंच है, और टॉयलेट यहाँ है। साथ ही साथ बेडरूम का साइज, इस वाले बेडरूम का साइज 10 फीट बाय 9 इंच है, जबकि आगे वाले बेडरूम का साइज 10 फीट बाय 10 फीट है। इसी इकाई का मिरर इमेज इस साइड में है। तो 2 इकाई पीछे वाला एक दूसरे का आइडेंटिकल या मिरर इमेज गए हैं, जबकि आगे वाला 9 इकाई एक दूसरे का मिरर इमेज है। इस प्लान पर आप G+3 तक आसानी से जा सकते हैं। वैसे केस में यदि कुछ बदलाव की आवश्यकता हुई तो ये कॉलम देख रहे हैं, ये इस कॉलम को शिफ्ट किया जा सकता है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्टिकली, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो थोड़ा बीम का साइज और कॉलम का साइज में बदलाव आएगा। तो फ्रेंड, इस प्लान पर यदि आप आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैसेज करें। तो इस पर फ्रंट एलिवेशन सेक्शन जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब तैयार कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले प्लान के साथ। थैंक यू, टेक केयर।